माशाल्लाह अपना कप्तान माशाल्लाह जा रहा है माशाल्लाह मेवाली से जलसा होकर बनीगाला की तरफ अपनी मंजिल की तरफ कप्तान जा रहा है। माशाल्लाह रहीम या कनाबदो या कनस्ताइन। आज मैं आप सबके सामने खड़ा हूं, वो कौन जिसने मुझे पहली दफा इलेक्शन जिताई थी मियांवाली। ये एहसान कभी मैं भूल नहीं सकता जो आपने मुझे इज्जत दी और हमेशा दी। इंशाल्लाह मैं अपने मियांवाली की भी पूरी तरह खिदमत करूंगा और अपनी कौम की भी खिदमत करूंगा इंशाल्लाह। मैं सबसे पहले अताउल्लाह ईसा खेलवी, मैं आज कमर मशानी में खड़े होके अपनी सारी कौम के सामने आपको आज खराज तहसीन पेश करता हूं। अदाकार भी बहुत मैंने देखे, मैंने इस मुल्क में बड़े बड़े स्टार्स देखे, मैंने इस मुल्क में ऐसे ऐसे गाने वाले देखे जिनके बड़े नाम थे, लेकिन अताउल्लाह खान तुम मेरी नजर में हमेशा मेरे नंबर वन रहोगे, क्योंकि आपने उस वक्त मुझे सपोर्ट किया जब शो बिजनेस के लोग घबराते थे। वो घबराते थे कि अगर इमरान खान की सपोर्ट करेंगे तो पीटीवी उनको नहीं दिखाएगा या उनके ऊपर किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारा तो मुकाबला माफियाज के साथ है, चोरों के साथ है, डाकुओं के साथ है। और माफिया या खरीदते हैं लोगों को या उनके जमीन खरीदते हैं या उनको लोटा बनाते हैं, और या फिर डराते और धमकाते हैं। तो मैं अताउल्लाह खान आपको आज इसलिए सबके सामने सलाम पेश करता हूं कि आप डटे रहे, खड़े रहे, हर वक्त मेरे साथ रहे। और माशाल्लाह जो आपका तराना था सारे पाकिस्तान के कोने कोने में गूंजा। अच्छा मियांवाली कमर मशानी, पहले तो मुझे ये बताओ गर्मी तो नहीं लग रही?
माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई भी आजकल की गर्मी में दोपहर के 3 बजे इतनी तादाद में जलसे में नहीं कोई आता। मैं आपको भी आज सलाम पेश करता हूं सबको। अच्छा, मैं आज आपके पास इसलिए आया हूं, मैं आप सबको तैयार कर रहा हूं मेरी हकीकी आजादी की जहाद के लिए, सबको तैयार कर रहा हूं। मियां वाली, जब मैं आपको कॉल दूंगा तैयारी कर लो। मुझे लगता है कि इस्लामाबाद सिर्फ मियांवाली भर देगी। और ये हमारी हकीकी आजादी की जो जहाद है, नौजवानों, मैं सिर्फ आपको समझा दूं एक चीज कि सबसे पहले अल्लाह हमें आजादी देता है जब हम अल्लाह के सामने खड़े होके हम जब कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हम अल्लाह के सामने अल्लाह को से वादा करते हैं कि मेरे मौला, तेरे सिवा किसी को मैं खुदा नहीं मानूंगा, किसी के सामने नहीं झुकूंगा। और मैं जब ये दावा करता हूं मैं आजाद हो जाता हूं। एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है देता है हजारों सजदों से ना निजात, आजाद कर देता है आपको। और सिर्फ वो जो आप बात कर रहे हैं वो एक डीजल के परमिट की के सामने झुक जाता है। तो मैं कमर मशानी सुने मेरी बात, ये याद रखें कि कभी भी ना कोई कौम ना कोई इंसान कभी वो बड़े काम नहीं कर सकता, कभी उसकी परवाज ऊंची नहीं होती जब तक वो आजाद नहीं होता। गुलाम सिर्फ अच्छे गुलाम बन सकते हैं। गुलाम इमामत नहीं कर सकते हैं।